हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली 12:15 बज चुके हैं, सो वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सुबह आज जल्दी उठा था, जल्दी मतलब 8:30 बजे उठा था। हालांकि कुछ काम नहीं है स्टोर का, क्योंकि टोटली 2 दिन से स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा मूड थोड़ा आज सुबह से अजीब सा है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। सो फिलहाल मैं ऐसे बेड पे लेटा हुआ था, और फिर आप लोगों के जो कमेंट्स थे, कल जो वीडियो मैंने बनाया आज सुबह अपलोड किया था, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच। आप लोग जब कमेंट करते हो, बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं लाइफ में। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। ओके, तो मैं ये कह रहा था, मतलब जिस बालकनी में हमेशा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, वहां से थोड़ा सामने एक घर दिखता है। उस घर में एक अच्छे खासे आंटी रहा करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ कुछ साल से। और आज सुबह मेरे मॉम ने बताया कि वो आंटी गुजर गए। बहुत ही बुरा लगा, और रीजन यही है, कोरोना। मतलब पता नहीं चल रहा है, इस बीमारी की वजह से इतने अच्छे खासे लोग हमसे दूर हो रहे हैं। रियली बहुत ही बुरा लगा मुझे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी मेरे फ्रेंड हो या कोई भी अनजान हो, इस बीमारी का शिकार हो। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि आप हो सके जितना बाहर जाना है अवॉइड करें, अपना फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखें, और बस सेफ रहे घर पे। जब मुझे कुछ वर्क नहीं रहता है तो मैं अक्सर बुक्स रीड करता हूँ, और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, बुक्स रीड करने का मेरा एक अच्छा हॉबी है। और इस बुक के बारे में शायद पहले भी आपको बताया था मैंने, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल अ स्टोरी। ये बहुत ही मतलब मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें जब भी अगर आप लाइफ में लो फील करते हैं तो इस बुक को जरूर रीड कर देना। मेरे लाइफ में इस बुक ने बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाए थे, और मैं चाहता हूं कि आपको भी बहुत इंस्पिरेशन मिले। सो आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शायद मिल जाएगा, और रीड करने के बाद यू कैन थैंक मी लेटर। क्या कर रहे हो इधर? हम कबूतर का नेस्ट बना रहे। कबूतर का नेस्ट बना रहे? कैसा दिखा? ये देखो। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें कबूतर आके बैठेगा और अंदर देखे जाएगा, और यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे। अच्छा, इधर लगाएगा। यस। दिखा कैसे? इसको फिक्स करेगा यहाँ पे। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। फिर कबूतर के लिए खाना कहाँ पे रखेगा? खाना हम दूसरे इसमें वो दिखा दिखा इसमें। अरे वाह, मस्त बनाया। किसका आइडिया था? मेरा और मानित का। मानित दोनों का आइडिया था। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो बहुत दिन से बाइक को हमने वॉश नहीं किया था, और फाइनली आज थोड़ा टाइम मिल गया है, तो अपने बाइक को अच्छे से क्लीन करेंगे, सो दैट अगले मोटो व्लॉग में अपनी बाइक थोड़ी चकाचक दिखे। अरे इसका पाइप का है, टैप का? वहां पर है। वहां पे अंदर है? अंदर हाँ। पड़ेगा अंदर चलना। पहले यहाँ लगाते थे ना इसको। तो देखो, कुछ बाइक का हालत ऐसा हो गया, पूरा डस्ट में, ये पूरा यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए हैं। सो इसको पूरा क्लीन करने के बाद अपन देखेंगे कि बाइक अपनी कितना शाइन मार दी है। फाइनली अपनी बाइक जो है क्लीन हो गई है, हो सके जितना मैंने पानी कम यूज किया, सो दैट वेस्टेज ना हो, और कुछ ऐसा लुक आ गया है। सो बहुत ही जल्दी अपनी ये बाइक मोटो व्लॉगिंग के लिए रेडी हो गई, और बहुत ही जल्दी अच्छे व्लॉग्स आ जाएंगे। बट फिलहाल कहीं बाहर जाना है नहीं, सो इसको अंदर रख देते हैं और चलते हैं घर पे। ओके, तो आज हमारे घर के बच्चा गैंग की ख्वाहिश है कि हम कुछ स्पेशल डिश बनाएं उनके लिए, और जब बात आई कुछ डिश की तो ख्याल आया मैगी का, क्योंकि 2 मिनट में सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो है मैगी। तो चलो फटाफट बनाते हैं मैगी। ओके, तो पानी गर्म करने रख दिया। एक्चुअली मैंने मैगी कभी बनाई नहीं है, लेकिन हाँ खाई जरूर है ये क्या 2 बार, लेकिन आज ट्राई करते हैं, और शायद हो सकता है मेरे अंदर जो छुपा हुआ क्या बोलते हैं ना मास्टर शेफ आज बाहर निकल के आ जाए, और मेरी बनाई हुई मैगी पसंद आ जाए सबको। तो होप फॉर द बेस्ट। गर्म हो जा। तो अपना वाटर जो है
उबल गया है, इसमें डाल देते हैं मैगी। ये गया मसाला। कांदा नहीं डालना। और आपके लिए कुछ ख्वाहिश? मेरे सब फ्रूट्स। सब फ्रूट्स डालना है। मैं प्लेन बनाने वाला हूँ, प्लेन एकदम प्लेन बनाएगा। अरे खाने के बाद पागल हो जाएगा तुम। क्यों? इतनी बढ़िया मैगी बन रही है, मतलब 80% बन चुकी है। थोड़ा बॉईल होने देते हैं, फिर देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है इसका। खुशबू बहुत सही आ रही है, मस्त एकदम। सो मैगी अपनी ऑलमोस्ट बन चुकी है, अभी देखते हैं पलटन इसका रिव्यू कैसा देते हैं। तो हम लोग ने सोचा है कि कल एक स्पेशल चैलेंज रखेंगे, स्पाइसी नूडल ईटिंग चैलेंज। कौन ज्यादा जल्दी स्पाइसी नूडल्स खाता है? मैं खाऊंगा, मेरे को बहुत मस्त है, मेरे को मस्त। कल ट्राई करते हैं। चलो ये मैगी पहले ट्राई करते हैं। और काली होगी थोड़ी, पता चलेगा। काले हो गए तो क्या हुआ, दिल वाले है। सो ये हो गई मैगी आप लोगों के लिए। कौन कौन ट्राई करेगा? मैं। ये वेलकम। एंड ये आपके लिए। Okay. एक मनु के लिए भी बनाया है। बहुत टेस्टी लग रहा है। खा के तो देख, पहले खा के देखो। यम्मी। पक्का यम्मी है कि यूं ही बोल रहा है? वेरी यम्मी। पक्का? तनिष्क कैसे लगी? थोड़ा कड़क है। कड़क है मामू की तरह, एकदम कड़क। पानी वाला बनाते हैं वो वैसा टेस्ट नहीं। पानी वाला गीला गीला पसंद नहीं आता है, थोड़ा मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी लगना चाहिए। एक्चुअली मैगी मुझे मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं ना, लिक्विड वाली पसंद नहीं आती, थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है, तो उसी टाइप की बनाई है। और आई होप सो सबको पसंद आ जाए। आगे बताओ कैसे लगी, स्मार्टी ऑफ द पार्टी, टेस्ट करके बताओ। इस बार तीनी है, मम्मी है। रियली? हाँ झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा है, यम्मी है, मस्त है। चलो ठीक है, फटाफट फिनिश कर दो। आप भी खाओ। मैं खाऊं? खत्म तो मत करना, मेरे को बहुत टेस्टी लगा है। नहीं खत्म है, नहीं थोड़ा खत्म होएगा। अरे थोड़ा तो मैं क्या खाऊंगा? एक स्पून। मस्त है? नहीं मस्त है। मस्त है तो मस्त है तो ठीक है। थैंक यू। वेलकम। कल चैलेंज रखेंगे, बहुत बढ़िया मस्त एकदम, ठीक है? ओके एंजॉय। ओके तो आज और एक सरप्राइज है, ब्रदर्स डे की खुशी में आज घर पे बनाया है फिर से केक, तो छोटा सा फिर से होगा सेलिब्रेशन। ये रहा स्पेशल केक। भाई क्या नाम है इसका, कौन सा केक? चॉकलेट केक। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो केक कौन कौन खाएगा? मैं। सब हाथ ऊपर करेंगे। कौन केक नहीं खाएगा? बहन कितने यहाँ पे? सिस्टर्स दो है, दो सिस्टर्स है। ओके यहाँ पे भी सिस्टर है, तीन सिस्टर्स है, दो छोटे और एक बड़े सिस्टर। सो लेट्स सेलिब्रेट ब्रदर्स डे। ब्रदर्स डे पे इकट्ठा हो गए पांच ब्रदर्स यहाँ पे, एक दो तीन चार, टोटली फाइव ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स, दो छोटे एक बड़े। थैंक यू सो मच बड़ी दीदी, थैंक यू। पैर कहाँ पे? आशीर्वाद लेता हूँ। पैर कहाँ पे? चरण दिखाओ, चरण दिखाओ, आशीर्वाद लेता हूँ। चलो भाई लोग केक कटिंग शुरू। आज का दिन खत्म हो गया बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ऑसम वीडियो में। टिल देन टेक केयर।